करूं? सो जाएं। गैर अहम लोगों की बातें भी गैर अहम होती हैं। माँ गैर अहम नहीं होती। बच्चे जब बड़े हो जाए ना तो उनके लिए माँ बाप दोनों ही गैर अहम हो जाते हैं। भाभी को देख लें, ना बेटा है और ना बेटी। मेरे अगर आपके मेरे बच्चे भी हो जाते ना तब भी चंद सालों बाद आप और मैं अकेले रह जाते हैं। यहाँ बस बीवी का साथ काम आता है। हिम्मत करें, सो जाए। मुझे कुछ ऑफिस का काम है, सेकंड कॉल आ रही है। हाँ वसीम, क्या पता चला? अच्छा, अजीज साहब के ससुर पहुंची हुई चीज है। चलो ठीक है, कल बात करते हैं। सो जाएं। सोती हूँ। भूख लग रही है आपको? तुम्हें खुद से बांध के मैं तुम्हें बहुत सी महरूमी दे रही हूँ। किस बात की महरूमी? औलाद वो नहीं दे सकती मैं। माहिर के ऑफिस से वसीम साहब की कॉल आई थी। माहिर मिलना चाहता है मुझसे। अच्छा, गुड। लगता है कल आ ही गई ससुर साहब को, है ना? सास को एहसास हो गया होगा कि मैं गलत कर रहा हूं। माहिर को समझा दिया होगा उसने। वैसे मैं इस बात से खुश हूं कि मिनाल को भिनक भी नहीं पड़ी नादिया वाले केस की। शगुफ्ता भाभी ने तुम्हें जिक्र नहीं किया उनसे? अरे नहीं यार, किसी ने कोई जिक्र नहीं किया। तुम तो ऐसे ही घबरा जाते हो। अब माहिर से खुल के बात कर लेना। फरीद साहब से बहुत करीब है वो, जरा उन्हें भी समझा दे। मैं कर लूंगा बात, और आप ये नादिया वाला मामला खत्म ही समझे, क्योंकि मुझे मिनाल बहुत अजीज है। अच्छा यार, जाओ तो सही, पहले मिलके तो आओ।